आज FIR इनकी करवाने आए हैं। अगर वो FIR नहीं होती है तो अगला कदम हमारा यही होगा कि यहाँ पर हम अन्य संतों को आमंत्रित करेंगे और यहाँ पर संतों के साथ एक ऐसा आंदोलन होगा डॉक्टर रजा, ताकि आगे से भविष्य में इस प्रकार की हरकत दोबारा ना कर पाए। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान पर कार्रवाई की मांग अब चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर सच्चिदानंद पशुपति ने उठाई। वो इसके लिए वृंदावन से बरेली आए थे। उनसे पहले यही मांग पूर्व मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद और व्यापार मंडल की तरफ से भी की जा चुकी है। उस प्रदर्शन के लिए जो मौलाना तौकीर रजा खान ने इस्लामी इंटर कॉलेज मैदान के पास किया था और उनकी गिरफ्तारी का ऐलान करने के बाद पुराना शहर में टकराव हो गया था, जिसे लेकर पुलिस दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कर चुकी है। मौलाना के बयान को आधार बनाकर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग थोड़े थोड़े अंतराल पर उठ रही है। इसी मांग को लेकर अब वृंदावन से महामंडलेश्वर सच्चिदानंद पशुपति बरेली में आयोजित दफ्तर आए थे। वहां उन्होंने मौलाना के लिए बहुत कुछ कहा है, हल्द्वानी में हिंसा के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है। आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम है श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति। बरेली नाथ नगरी है, ये प्रेम सद्भाव का एक बहुत ही मुख्य केंद्र है, लेकिन यहाँ पर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति ने कई वर्षों से नाक में दम कर रखा। 2010 में भी इस शहर को, इसकी प्रेम सद्भावनाओं को बिगाड़ते हुए मौलाना तौकीर रजा ने इस शहर के लिए दंगे की आग में झोंक दिया था। और वो अपने समय समय पर, वो एक तरीके से हम लोगों का प्रतीत होता है, वो धर्म के नाम पर एक लोगों को बांटने और किसी प्रकार से यहाँ पर दंगा भड़काने का कार्य हमेशा करते चले आ रहे हैं, चाहे 2010 हो, चाहे 2015 हो। 2017 में उन्होंने सार्वजनिक मन से हिंदू धर्म की महिलाओं को अपमानित करने का कार्य किया। हमने तब भी उनको चेतावनी दी थी और उनके लिए हमारी पूरी टीम गाजियाबाद से आ रही थी सुवर भेंट करने के लिए, उन सबको भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद भी वो नहीं सुधरे। 2021-22 में उन्होंने दोबारा हरकत करी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देने का प्रयास किया। उसके बाद में अभी कुछ दिन पूर्व जब वाराणसी में काशी में हिंदू पक्ष के लिए पूजा का वहां पर अदालत द्वारा समय दिया गया, उसका विरोध करते हुए उन्होंने यहाँ पर रखा कि हम जो है जेल भरो आंदोलन करेंगे। और उससे एक दिन पहले हल्द्वानी में दंगा हुआ था, उन दोनों को दिखाते हुए दर्शाते हुए उन्होंने यहाँ पर भड़काऊ भाषण देकर मुस्लिम युवाओं को भड़काया, जिससे श्यामतगंज में कई व्यापारी, छोटे छोटे जो गरीब लोग थे जो फल फूल बेच रहे थे, उनके साथ मारपीट करी गई, आगजनी का प्रयास किया गया। और जहां भी है इनके भड़काऊ भाषण के कारण कई बार दंगे फैल चुके हैं। आज हम यही चाहते हैं, यहाँ पर हम आए हैं IG साहब से मिलकर मांग करने कि हमारी एक FIR लिखी जाए, इन पर पेशेवर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। हम कई जांच करवाने की मांग भी कर रहे हैं, इनकी CBI जांच भी करी जाए कि इन पे इतना अपार धन कहां से आया और जिस प्रकार ये धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाकर बार बार आपस में यहां के प्रेम भाईचारे को समाप्त करने कार्य करते हैं या दंगा भड़काने कार्य करते हैं, उसके लिए इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ऐसे व्यक्ति का स्थान कोई भी सड़क पर या किसी धार्मिक स्थल पर नहीं, जेल में होना चाहिए। देखिए, यही कारण है, यही मजबूरी है जो आज हमारे लिए सड़क पर आना पड़ा है। और हम चाहते, यहाँ का माहौल बिगड़ सकता था, हम संतों को भी आह्वान कर सकते थे कि सारे संत यहाँ पर आए, लेकिन हमने भी शांति मार्च का रखा है कि अगर हमारी शांति मार्च को नहीं सुना जाएगा, इनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और हम जिस विषय पर आज FIR इनकी करवाने आए हैं, अगर वो FIR नहीं होती है तो अगला कदम हमारा यही होगा कि यहाँ पर हम अन्य संतों को आमंत्रित करेंगे और यहाँ पर संतों के साथ एक ऐसा आंदोलन होगा डॉक्टर रजा, ताकि आगे से भविष्य में इस प्रकार की हरकत दोबारा ना कर पाए। महामंडलेश्वर धमकी दे गए हैं कि अगर एक सप्ताह में मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी नहीं होती तो वो अनशन पर बैठेंगे और देश भर के संतों को बरेली बुलाया जाएगा। बहरहाल एक सप्ताह का इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।